नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म किन किन स्टेट में अभी चल रहे हैं, किन किन स्टेट में आपके आगे रिलीज़ होने वाले हैं और किन किन यूनिवर्सिटीज़ के आपके अभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, सारे लेटेस्ट अपडेट BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आज 15 सितंबर है, आज तक के जितने भी अपडेट्स हैं कि किन कौन से स्टेट्स में अभी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, अभी तक अप्लाई कर सकते हैं आप, किन किन स्टेट में एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुके हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में नीट के थ्रू एडमिशन्स होंगे, इस 3 से 4 मिनट की वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। एम्स न्यू दिल्ली, जिपमर, KGMU, आपका छत्तीसगढ़ में BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, GMCH चंडीगढ़ के BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और बाकी जितने भी आपके बचे रहते हैं जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं अभी तक, वो सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्स दिल्ली की। तो एम्स न्यू दिल्ली के लिए BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए पहले से ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं आपके, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होकर क्लोज भी हो चुके हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है, तो अब जो नई डेट है वो जल्दी रिलीज़ होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 1st या 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, जो जो एम्स में BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, कि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे क्या नीट के थ्रू एडमिशन हो सकते हैं इस बार, तो इस बार नीट के थ्रू एडमिशन्स नहीं होंगे। BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन जो होंगे एम्स न्यू दिल्ली और बाकी जितने भी एम्स आपके, उनमें जो एडमिशन्स होंगे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही होंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 100% होगा और या फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके जिपमर की। तो जिपमर में जो BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन्स हैं वो इस बार आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे होंगे। इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आए, जैसे रिलीज़ होंगे सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपके नीट का रिजल्ट आने के बाद ज्वाला इंस्टीट्यूट ऑफ आपका मेडिकल साइंसेज के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल इंस्टीट्यूट जो आपकी लखनऊ UP में है, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म BSc नर्सिंग कोर्स के लिए रिलीज हो चुके हैं। 18 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आपकी लखनऊ UP में, इसमें एडमिशन लेने के लिए। और इसके अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनकी लिस्ट अभी तक एक बार के लिए रिलीज़ नहीं हुए, तो जैसे ही रिलीज़ होगी हम आपको बता देंगे। तो UP के कैंडिडेट हैं जो BSc नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं KGMU की, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं, जैसे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी तक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आपकी लखनऊ UP में, उसके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं BSc नर्सिंग और डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज के, जैसे रिलीज़ होंगे हम आपको बता देंगे। आज 15 सितंबर, अभी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं KGMU के। अब हम बात करते हैं GMCH की, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपका चंडीगढ़ में, जो इसके BSc पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। नीचे डायरेक्ट लिंक दे रखा होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो चुके हैं GMCH चंडीगढ़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप एडमिट कार्ड अपने वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपके प्री BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 23 सितंबर इसके लिए लास्ट डेट है, तो छत्तीसगढ़ के जो जो स्टूडेंट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं BSc नर्सिंग कोर्स में और MSc नर्सिंग कोर्स में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में, और इसकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। और बाकी कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे इसके रिगार्डिंग। अब हम ये अपडेट्स हमने ऑलमोस्ट देख लिए हैं सभी, तो आपको वीडियो एक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के जितने भी अपडेट्स हमने आपको बता दिए, आपके हरियाणा में BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। 8 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए।
UHSR रोहतक की वेबसाइट होगी, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आपके राजस्थान में अभी तक अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं, पंजाब में आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो चुकी है BSc नर्सिंग कोर्स की, पोस्ट बेसिक की और MSc नर्सिंग की, पैरामेडिकल कोर्सेज की भी फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, सेकंड काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है। तो BFUHS फरीदकोट पंजाब में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है BSc नर्सिंग, आपके BSc नर्सिंग का तो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, लेकिन जो आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं और BPT है, आपके BSc नॉट में फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री है, उसकी सेकंड काउंसलिंग चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। आज तक के अपडेट आपको हमने बता दिए, सभी जो एडमिशंस मेन मेन यूनिवर्सिटीज़ के थे वो आपको इस वीडियो में बता दिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।